हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारी सरकारी नौकरी। तो आइए देखते हैं कि आज की क्या जॉब अपडेट है। आज की जो जॉब अपडेट है वो वेस्टर्न रेलवे से है, जो कि अप्रेंटिसशिप के लिए है, आईटीआई वाले बच्चों के लिए, जिन्होंने आईटीआई पास कर रखा है क्लास टेंथ के बाद, तो उनके लिए बहुत बम्पर वैकेंसी है जो कि आप भर सकते हैं फॉर्म। ओपनिंग डेट देखिए कि फॉर्म भरने की 28 तारीख को 11 बजे से चालू हो गया है और ये 27 जून तक चलेगा। तो आपको वैकेंसी भरने के लिए यहाँ पे लिंक दिया हुआ है www.rrcwesternrailway.com, ये आपका दिया हुआ है, इसी के लिंक पे जाके आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, ये ध्यान रहे। अब आगे की बात देखते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी मांग रखा है इन्होंने। तो एलिजिबिलिटी हमने पहले भी बता दी कि आपको क्या पास होना चाहिए, आईटीआई पास होना चाहिए। एज की बात करें तो 15 इयर्स मिनिमम एज होनी चाहिए और 24 इयर्स ऑफ मैक्सिमम एज होनी चाहिए। गवर्नमेंट की वैकेंसी है तो आपको डेफिनेटली रिजर्वेशन में छूट मिलेगी। ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल और एक्स सर्विसमैन के लिए 10 साल, ये छूट्स जो हैं वो सभी को मिलेंगी क्योंकि गवर्नमेंट की वैकेंसी है तो पूरा छूट मिलेगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको क्लास टेंथ होना चाहिए प्लस आपको टेंथ के साथ आपको क्या होना चाहिए, आईटीआई पास होना चाहिए। ठीक, मोड ऑफ जो सिलेक्शन होगा वो इन दोनों के परसेंटेज पे होगा, इसका परसेंटेज और इसका परसेंटेज कैलकुलेट किया जाएगा और इन दोनों के कैलकुलेशन का एवरेज परसेंटेज निकाल के आपको वेटेज के तौर पे दिया जाएगा जहां से आपका सिलेक्शन होना है। तो आप याद रखिए कि जिन बच्चों को सिलेक्शन का देखना है तो दोनों के परसेंटेज के बेस पे ही, एवरेज परसेंटेज पे आपका सिलेक्शन होगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये है। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वोमेन इन सब कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगी, ये एग्जेम्प्टेड कर दिया गया है, कोई एप्लीकेशन फ़ीस आपको नहीं देना है। तो ये बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा। हमने आपको वेबसाइट भी बता दी, एप्लीकेशन फ़ीस भी बता दी, मोड ऑफ सिलेक्शन जो है वो हमने क्लियर बता दिया कि मिनिमम जो होना चाहिए वो मैट्रिकुलेशन में टेंथ में 50% होना चाहिए और आईटीआई दोनों के सेम वेट को कंसीडर करके आपका सिलेक्शन हुआ होगा। ठीक है, तो सिलेक्शन का कंफर्म होगा। स्टाइपेंड की बात करें तो स्टाइपेंड सबसे मेन मैटर आता है। ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड है और स्टाइपेंट जो दिया जाएगा वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। तो स्टेट वाइज वेरी करता है, 8,000 से लेके 10,000 के आसपास का जो स्टाइपेंट होता है वो आपको मिलेगा इस आईटीआई की अप्रेंटिसशिप में। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन है, हमने आपको पहले ही बताया कि आप वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होना है जो परसेंटेज आपका है। वैकेंसी की बात करें तो देखिए, फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर सारे ट्रेड्स को दिया गया है और सारे ट्रेड्स को मिला के जो टोटल वैकेंसी है वो 3,612 वैकेंसी है। एक ह्यूज वैकेंसी है आपके लिए जहाँ पे आप अप्लाई करके 1 साल की ट्रेनिंग ले सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि सर बहुत कम पैसा मिलता है तो ट्रेनिंग करने का क्या फ़ायदा होता है, तो ट्रेनिंग करने का मेन फ़ायदा ये है कि आपको 1 साल की अप्रेंटिसशिप मिल जाएगी, वो एक्सपीरियंस के तौर पे काम करेगा और आपको रेलवे के अंदर एक बड़ा डिपार्टमेंट है भारत सरकार का जहाँ पर आपको काम सीखने का मौका मिलेगा जिससे आपके करियर को ग्रो करा सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारा जेनिक लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जेनिक लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। हमारी सरकारी नौकरी का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि ये सारे पीडीएफ और डिटेल्स हम लोग टेलीग्राम चैनल पे जरूर डालते हैं, तो वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ्स मिलेंगे, तैयारी करने से रिलेटेड मटेरियल्स भी डालते रहते हैं, तो वो सारे फ़ायदा आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो नेक्स्ट जॉब अपडेट के साथ मैं जल्दी ही मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू टू ऑल।